तो गाइस इस वीडियो को देख के आप सभी लोग समझ के होंगे कि ये कहाँ की वीडियो है। हाँ जी गाइस, ये ओम्बना की वीडियो है, यानी कि यहाँ पे काफी लाखों भीड़ आती है और इस मंदिर को एक बुलेट बाइक की वजह से जाना जाता है। ये मंदिर एक पाली हाईवे के पास में चोटीला धाम में बसा हुआ मंदिर है ओम्बना जी का। आप देख सकते हो अंदर ओम्बना जी का मंदिर है। यहाँ पे लाखों भगत आते हैं, लाखों लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं और दुआ मानी भी जाती है। आप देख सकते हो ये जोत वगैरह आ रही है और ओम्बना जी की वहाँ पे मूर्ति है और आगे ही मूर्ति के आगे जो आप देख सकते हो वहाँ पे बुलेट बाइक की पूजा की जाती है। अंदर की वीडियो में आपको दिखा देता लेकिन मैं सोचा अंदर जाने नहीं देते हैं और अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो कोरोना का भी टाइम है तो मैं अंदर नहीं गया हूँ। बाकी बाहर से दिखा देता हूँ, बाहर के सारे लोकेशन देख सकते हो, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और सावन भादवे के महीने में ज़्यादा भीड़ रहती है और लाखों भगत आते रहते हैं यहाँ पे। यहाँ के आप देख सकते हो जूते चप्पल बाहर खोले जाते हैं और लोकेशन एक नंबर है। यहाँ पर जो भी दुआ मांगते हैं वो दुआ कबूल की जाती है और बहुत से भगत यहाँ पर आते हैं और बाहर से आते हैं। पूरे भारत में जाने जाते हैं ओम्बना जी, इनका राज, जो कि बुलेट बाइक की वजह से जाने जाते हैं ओम्बना जी। बाकी गाइस बात की जाए तो ओम्बना जी के जो बाकी बात की जाए ना तो ओम्बना जी किसी से मतलब फालतू, यानी कि जो भी अपने भगत हैं उनके लिए एक अच्छी दुआ रखते हैं, यानी कि जो मांगते हैं उनको वो मिल जाता है। और ओम्बना जी से जो फालतू ऐसे करते हैं उनके साथ बुरा करते हैं ओम्बना जी। बाकी आप देख सकते हो काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी भगत हैं ओम्बना जी के और मैं भी आया हूँ, मैं भी अपनी दुआ मांगने आया हूँ कि मेरे चैनल पर पूरे 1 लाख सब्सक्राइब हो जाए। तो गाइस आप सभी का इतना प्यार बना रहेगा तो 1 लाख सब्सक्राइब तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और ओम्बना जी से मैंने मांगा है अगर वापस आऊँगा, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइब होने के बाद मैं एक बार वापस आके जाऊँगा और आप सभी गाइस को मैं एक ही दिल से बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करा करो गाइस। बाकी आपको मैंने पूरा मंदिर दिखाया है ओम्बना जी के जाके आप सभी लोगों को दिखाना चाहता था, आप सभी लोगों को दिखाना चाहता था कि आप देख सकते हो गाइस ये जगह यहाँ पे, यानी कि ये आप देख सकते हो पवित्र धागा होता है, यानी कि हाथ के भी बांधा जाता है लेकिन ये ओम्बना जी के पीपल के पेड़ के लिए बांधा जाता है। यानी कि ओम्बना जी का यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसमें ओम्बना जी की वहाँ पे डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी ओम्बना जी अमर है और सभी लोगों के दिलों में राज करते हैं। बाकी ओम्बना सभी दिलों में बसते हैं आज भी। बाकी ओम्बना जी से जो भी मांगते हैं ना वो सब मिल जाता है। आप देख सकते हो ये आंटी जी बांध रही है धागा, आप देख सकते हो यानी कि जोड़े ज़्यादा बांधते हैं यहाँ पे धागा। बाकी आप सभी लोग बांधते हैं, मैं भी बांधा हूँ, सभी लोग बांधते हैं, मैं भूल गया था अक्सर में लेकिन अगली बार ज़रूर बांधूंगा, आपकी रिक्वेस्ट रहेगी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ओम्बना जी के फैन हो तो प्लीज़ करना, क्योंकि मैंने जो मांगा है वो मिलना ज़रूर चाहिए। आप सभी का प्यार बना रहेगा तो ज़रूर मिलेगा गाइस। आप देख सकते हो ओम्बना जी का आया हूँ मैं भी और ऐसे आंटी जी बांध रही जैसे सभी लोग धागे बांधते हैं और मैंने चारों तरफ की लोकेशन दिखाई है। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री ओम्बना दरबार, जय श्री ओम्बना।